हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सुना कि समिता श्रुति को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, श्रुति सिर्फ रोए जा रही होती हैं, वो अंदर तक टूट चुकी होती हैं ये सुन के कि उनको ब्लड इन्फेक्शन हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन समिता उन्हें कहती हैं कि श्रुति, अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाओगी तो इतनी दूर से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अकेले, तो तुम्हें वहां से बहुत ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। श्रुति कहती है, वो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, मेरी बात ही मानते नहीं है, अगर मानते तो ये कंडीशन ही नहीं होती ना, उनको ये सब हुआ कैसे, लेकिन वो तो ऐसा कुछ खाते पीते भी नहीं है, बाहर का खाना वगैरह कुछ नहीं है उनका, कैसे हो सकता है ये। समिता कहती है, देखो श्रुति, जो होना था हो गया, सबको बहुत दुख है इस बात का, बट सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना सब कुछ, इस तरह से रिएक्ट करने से, इस तरह से हिम्मत हारने से तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला ना, तो बात को सोचो, समझो और पहले सुन लो कि तुम्हें करना क्या क्या है उनके लिए। जब तक करोगी नहीं तब तक ना तुम ना मैं ना इतनी दूर से मैं उन्हें संभाल पाऊंगी, ना आप संभाल पाओगे अगर आपको सब कुछ नहीं पता होगा। प्लीज एक बार बात को सुन लो। तो श्रुति बोलते हैं कि कहिए थे, देखो मेडिसिन अनायशा भाभी शाम तक भिजवा देंगी सारी, ठीक है, वो आएंगी भी, शायद खुद ही आएंगी लेके, तो जो भी होगा, जैसे भी जो भी मेडिसिन उन्हें देनी होगी वो आपको समझा देंगी, वो टाइमली आप उनको देते रहिएगा, और दूध हल्दी वाला ये एक भी दिन उनका मिस नहीं होना चाहिए, ये बस याद रखिएगा, क्योंकि हल्दी ब्लड को प्योरीफाई करेगी। अभी इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब नहीं हुई है, इसी पे संभल जाएगा, इसी पे ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ध्यान रखना, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत बहुत ध्यान रखना आपको हर चीज का। उनके हाइजीन का, उनके कपड़ों का, उनके कपड़े साफ होने चाहिए, उनकी प्लेट्स, हर एक चीज का बहुत बहुत ख्याल रखना होगा। सुन रही हो ना श्रुति, समझ रही हो ना क्या कह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ, सब आ रहा है ना समझ में। तो श्रुति बोलती है, हाँ समझ रही हूँ, कहिए। तो कहते हैं, थैंक गॉड समझ रही हो, बस यही सोच रही थी कि समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। श्रुति कहती है, और ठीक तो हो जाएंगे ना। तो समिता कहती है, ऑब्वियसली ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ हो सकता है, आप जैसा प्यार करने वाला इतना अच्छा इंसान है उनके पास, उनको कैसे कुछ हो सकता है, इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान जिसके पास होगा उसको कभी कुछ हो भी सकता है, कभी नहीं हो सकता, नेवर, ठीक है।
तो इस बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो, श्रुति कहती है। बस उनका ध्यान रखो, ध्यान रखोगे सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ। तो श्रुति कहती है मैं बहुत ध्यान रखूंगी, हर एक चीज का ध्यान रखूंगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। बस वो बात नहीं सुनते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह जिद पे अड़ जाते हैं, तो नहीं समझ में आता कुछ भी। तो सुनीता बोलते हैं उस टाइम के लिए देखो मम्मी भी हैं, मैं भी हूँ, हमारी बात तो सुनते हैं ना, मम्मी की, मेरी, अनायशा भाभी की, इतने सारे लोग तो हैं ना, धमकी दे के तो काम करा ही सकती हो, और धमकी देना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। तो उसका यूज करो ना, ब्रह्मास्त्र तो है ही वैसे भी तुम्हारे पास। तो श्रुति कहती है आप मजाक बना रहे हो मेरा। तो समिता कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस इस समय आपको अपने आप को संभालना है, ठीक है, बहुत ज्यादा संभालना है, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। जब तक खुद को नहीं संभालोगे उनको नहीं संभाल पाओगे। और रोना बंद करो श्रुति, बिल्कुल रोना बंद करो। श्रुति कहती है इन्हीं के साथ ना सब कुछ क्यों यार, सारी परेशानियां, सारे डिजीज इन्हीं को लगने थे क्या, और कोई नहीं मिला भगवान को दुनिया में। पहले इनसे इनकी मोहब्बत छीन ली, उसके बाद ये सब कुछ, क्या चाहते क्या है भगवान, किसी एक को ढूंढ लेते हैं क्या कि इसी के साथ सब कुछ करना है, इसी को परेशान करना है। कभी कभी तो लगता है जैसे भगवान है ही नहीं दुनिया में। सविता भी चुप हो जाती है, वो भी कुछ कह नहीं पा रही होती क्योंकि दर्द तो उन्हें भी बराबर का हो रहा होता है, लेकिन वो खुद को संभालते हैं और कहते हैं श्रुति भगवान उसी का इम्तिहान लेते हैं जो इम्तिहान दे सकता है, जो डर जाएगा वो इम्तिहान क्या देगा। और लक्ष्मी में तो बहुत हिम्मत है, बहुत ज्यादा, वो तो कभी कमजोर पड़ ही नहीं सकते हैं। बस हमें कमजोर नहीं पड़ना उनके आगे, उनकी ताकत उनकी फैमिली है, उनके फ्रेंड्स है। अगर वो खुश रहता है ना तो वो बहुत खुश रहता है। तो इतना अगर समझ जाओगे ना तो सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा, सब कुछ बहुत आसान लगेगा, और उनकी बीमारी कब ठीक हो जाएगी पता भी नहीं चलेगी। तो बस आपको इसी चीज का ख्याल रखना है, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उनकी मेडिसिन, उनका दूध, उनका जूस, हर एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। श्रुति बोलती है हाँ बिल्कुल पक्का ध्यान रखूंगी और हमेशा ध्यान रखूंगी, बस आप एक बार उनसे फोन पे बात करके उनको दूध के लिए बोल दीजिएगा, क्योंकि वो दूध नहीं पीते, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उनसे दूध नहीं पिया जाता। हाँ उसके बदले उनको दारू दे दो, ड्रिंक दे दो, तो वो बैठ के आराम से पियेंगे, तब मना नहीं करेंगे। तो समिता बोलते हैं वो तो पता है मुझे, लेकिन ड्रिंक से तो उन्हें बिल्कुल दूर रखना है, एकदम दूर। श्रुति बोलती है यही तो प्रॉब्लम है, एक हफ्ते के बाद तो चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भर निकलता है, हफ्ते भर में अगर नहीं पी तो उनकी बॉडी ऐसी लगती है जैसे जवाब दे जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, उन्हें खुद को संभाल ही नहीं पाते हैं, बेचैन हो जाते हैं एकदम।
समिता बोलती है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उन्हें उस कंडीशन में हमें ही संभालना है, ये पता है ना आपको। हम नहीं संभालेंगे तो कोई नहीं उन्हें संभालने वाला। और उनके ड्रिंक की आदत हमें छुड़ानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से एकदम बंद करा दें, क्योंकि सडन कुछ भी बंद कराएंगे तो उन्हें और ज़्यादा तकलीफ होगी, बट धीरे धीरे हम बंद करा सकते हैं, कम करा सकते हैं। तो बहुत ध्यान देना है उनके ऊपर, उनके ड्रिंक सिगरेट ये सारी आदत छुड़वानी पड़ेगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। श्रुति कहते हैं कि कोशिश तो करते हैं ना, लेकिन सुनते कहाँ हैं। जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ड्रिंक कर लेते हैं, ड्रिंक करके बेहोश हो जाते हैं, होश नहीं रहता तो कुछ याद नहीं रहता, परेशानी भी दूर भाग जाती है। इनका तो ये सही है, हम लोगों को जब वो परेशानी तो हम लोग क्या करें। मैंने तो एक बार पी थी, मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। समिता कहते हैं मेरा साथ तो बस, सब ठीक हो जाएगा श्रुति। मैं दूर से जितना हैंडल कर पाऊंगी करूंगी, तुम्हें पास रह के उन्हें संभालना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे तुम्हें दूर करें, चाहे कुछ भी करें, बस आपको उन्हें संभालना है। श्रुति बोलती है मैं इन चीजों में कभी पीछे हटी हूँ, जो अब हटूंगी ना, कभी हटी थी ना अब हटूंगी। समिता उन्हें समझाते और कहती है मुझे आपसे यही उम्मीद थी, और मुझे अच्छे से पता है कि आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से उन्हें कोई नहीं संभाल सकता, तो मैं इस बात से बेफिक्र हूँ। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। श्रुति भी काफ़ी देर तक ऐसे ही खामोश बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करना है कैसे करना है। फिर ये सब सोचने समझने के बाद उठते हैं और अपना काम में लग जाते हैं। शाम हो जाती है और अनायशा भी घर आ जाती है, अक्ष भी घर में ही होते हैं, सना के साथ आती हैं अनायशा। तो सना और अक्ष तो अपना गेम रूम में चले जाते हैं, वहाँ दोनों बैठ के गेम रहे होते हैं। इधर अनायशा श्रुति को समझाती हैं, श्रुति अनायशा से बोलती हैं आपने मुझे क्यों नहीं बताई ये सारी बातें, आपने समिता जी को बताई थी, उन्होंने मुझे बताया। तो अनायशा बोलते हैं मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे ये सारी चीज़ें कह पाती, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब पार्टनर को कोई तकलीफ होती है तो कैसा लगता है, और तुमने उन्हें से पार्टनर ही नहीं अपना सब कुछ समझ रखा है, अपना हस्बैंड अपना दोस्त सब कुछ समझा हुआ है, तो तुम्हारे लिए ये सब सुनना कितना डिफिकल्ट था, और मेरा तो उनसे एक अलग ही बॉन्ड है और तुमसे भी, तो मेरे लिए ये सब भूलना तुम्हें वो बिल्कुल अलग था। बस इसीलिए मैं बोल नहीं पाई कुछ। तो श्रुति बोलती ठीक है मेडिसिन्स वगैरह उनकी, तो अनायशा सारी मेडिसिन्स उन्हें समझा देती हैं कि डॉक्टर ने ये मेडिसिन्स दी हैं और इस टाइम पे ये खिलाना है, किस मेडिसिन को किसके साथ खिलाना है, किसको किसके साथ, वो सब कुछ बता देती हैं और टाइमिंग उनको समझा देती हैं, और दूध का स्पेशली तौर पे ध्यान दिलाती हैं कि दूध नहीं छूटना चाहिए, हल्दी वाला, और हल्दी वाला जब दूध देना तो थोड़ा सा छान लिया करना, नहीं तो उन्हें दूध वैसे भी नहीं पसंद है। तो श्रुति बोलती है हाँ मुझे पता है कि उन्हें दूध नहीं पसंद,
हो, अनायशा बोलते हैं, तो बस वही बात है। आज तो चलो मैं लेट जाऊंगी, तो मैं पिला के जाऊंगी किसी तरीके से, लेकिन कल से तुम्हें खुद ध्यान देना पड़ेगा। तो श्रुति कहते हैं मैं दूध नहीं पिला पाऊंगी। और दूध देखते ही ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे छोटा बच्चा रिएक्ट करता है, फेंक देते हैं ग्लास व्लास उठा के। मैं दूध नहीं पिला सकती, बाकी मैं सारी मेडिसिन उन्हें खिला दूंगी, मैं दूध बना दूंगी, ले आऊंगी। पिलाने का काम आपका है या समिता जी का है, मैं नहीं पिला सकती। तो अनायशा भाभी कहती हैं ऐसे हाथ पटकने से कुछ नहीं होगा श्रुति, मेरे भी बस की नहीं है उनको दूध पिलाना। वो दूध के मामले में कुछ नहीं सुनते, दूध और एक इंजेक्शन, पता नहीं क्या है फंडा। तो श्रुति बोलते हैं कि तो फिर मेरी तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे ना। तो कोई बात नहीं, समिता है ना, उनको लेंगे कॉल पे, वही समझाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं चलिए ठीक है, फिलहाल डिनर रेडी कर लेते हैं। तो नशा बोलते हैं कि मैं चल रही हूँ, साथ में करवाती हूँ। तो श्रुति बोलती है नहीं आप रहने दीजिए, कोई नहीं मैं कर लूंगी। लेकिन नायशा नहीं मानती, दोनों जाके डिनर प्रिपेयर करते हैं और डाइनिंग टेबल पे लगाते हैं। सब लोगों को डिनर के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अक्ष तो सना के साथ वीडियो गेम खेलने में बिजी होते हैं, तो वीडियो गेम खेले जा रहे होते हैं। उन्हें बार बार बुलाया जाता है लेकिन नहीं सुन रहे होते। तो अनायशा उठ के जाते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ। तो अनायशा की आवाज़ सुनते ही अक्ष के हाथ से रिमोट गिर जाता है वीडियो गेम को। कहते कि इतनी तेज कौन बोलता है भाभी, क्या पागल वागल हो क्या, डरा ही दिया। हाँ सॉरी, ऐसे कौन बोलता है? हाय, कोई मतलब कमजोर दिल का इंसान हो तो मर जाएगा, इतनी तेज चिल्लाती हो आप। हद हो गई, कसम से हद हो गई। तो कहती है अच्छा तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो ना, तो अब जो कहा है वो सुन लो, नहीं तो मेरे से पिट जाओगे। तो कहते हैं क्या किया है मैंने, क्यों ऐसे करते हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो कहते हैं उठो तो चलो खाना खाओ, ड्रामेबाज। तो दोनों आते हैं, उठते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मेडिसिंस दी जाती है, तो सारी मेडिसिंस तो आराम से ले लेते हैं, कोई नखरे नहीं कुछ नहीं। और फिर आती है दूध की बारी, श्रुति जाती है दूध बनाती है अच्छे से और फिर उसको थोड़ा ठंडा करती है, ठंडा करके लेके आती है और देती है। तो अक्ष जैसे ही क्लास में दूध देखते हैं, कहते हैं आज दूध कौन पिएगा? सना तुम्हारे लिए है, वो भी हल्दी वाला दूध, पीला पीला तुम पियोगी? तो सना कहती है मैं क्यों दूध पियूंगी, मुझे नहीं पीना दूध दूध। तो उनकी मॉम भी आती हैं, कहती हैं खाना खा लिया तुम लोगों ने? कि हाँ। तो अक्ष कहते हैं कि आज मॉम आपने नहीं खाया खाना हमारे साथ, कहाँ थे? कहने लगे हम लोग तुम्हारे पापा मैं और भाई तुम्हारा कहीं गए थे किसी के घर, तो वहां से खा के आए हैं। तो अक्ष बोलते हैं अच्छा ओके ठीक है, ये बोल के वो दूध की तरफ देखते हैं। कहते हैं मम्मी आज पता है, पता नहीं कौन दूध पीने वाला है, आज किसी के लिए दूध आया है। तो उनकी मम्मी कहते हैं किसके लिए? पता नहीं। तो फिर श्रुति कहती हैं कि ये दूध आपके लिए, आपको ही पीना है। तो वो कहते हैं व्हाट? कि हाँ। तो अक्षय एकदम से टेबल से खड़े हो जाते हैं, चेयर पर से, कहते हैं तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम बोल कुछ और रही हो, मैं और दूध कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है,
कोई वही नहीं है, किससे क्या कह रही हूँ मैं, और दूध चलो हटो यहाँ से जाओ। कहती अरे मैं सच बोल रही हूँ, ये दूध आपके लिए। तो कहते मेरे को नहीं पीना दूध, दूध मैं नहीं पीती दूध दूध दूध, लेके जाओ इसे, वो भी हल्दी वाला दूध, कौन पिएगा ये, मेरे पास की नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मत पियो, नहीं पीना तो अच्छी बात है, फिर एक काम करते हैं भाभी देख लो आप। तो अक्ष कहते हैं हाँ तो भाभी क्या देख लें, नहीं पीना तो नहीं पीना, बात खत्म, इसमें भाभी क्या देख सकती है, मैं जा रही हूँ रूम में सोने। तो ये कह के वो एकदम से भागती हैं वहाँ से दूध का ग्लास लेके, श्रुति और अनायसा उनके पीछे जाती हैं। तो उनकी माँ अनायसा को आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं सुनो अनायसा बेटा सुनो। तो कहते हैं जी आंटी। तो कहते हैं दूध उसको हल्दी वाला क्यों, कोई बात है? तो कोई बात नहीं आंटी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ, पता है ना आपको, तो आपको पता है हल्दी का दूध कितना फ़ायदा करता है, फिर भी यही नाटक है। कहती हैं अच्छा तो तुम लोग पिला लोगे या मैं आऊँ? तो कहती नहीं नहीं हम पिला लेंगे, आप बैठिए आप जाइए आराम कीजिए। ये कह के अनायसा और श्रुति रूम में जाती हैं और समिता को मैसेज कर दिया जाता है। समिता मैसेज देखती हैं तो कॉल करती हैं वो अक्ष के पास। अक्ष कहते हैं देखो नाजम मुझे दूध पिला रहे हैं यार, मुझे नहीं पीना दूध दूध मेरे को नहीं पीना है गंदा सा दूध। तो समिता कहती हैं देखो दूध तो पीते हैं ना, और आप तो अच्छे हो ना। कहती है हाँ मैं अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन मेरे को दूध नहीं पीना, मेरे को ये दूध बिल्कुल नहीं पीना। तो समिता उधर अनायसा को मैसेज करते हैं कि क्या ये बच्चे बन जाते हैं। तो अनायसा कहती हैं यही हाल है इनका, दूध देखते ही इनमें बच्चापन आ जाता है, पता नहीं क्या है एलर्जी। तो समिता कहती हैं कि अच्छा सुनो मेरी बात सुनो अक्ष, प्लीज़ मेरी बात सुनो बच्चा। तो कहते हैं हाँ बोलो। कि देखो मेरी सारी बात मानते हो ना आप? हाँ कहती हैं हाँ सब सब मानते हैं, बट मेरे को दूध नहीं पीना, मेरे को दूध बिल्कुल नहीं पीना, दूध गंदे दूध गंदा लगता है यार, नहीं पीना है मेरे को दूध दूध। तो कहते हैं अच्छा एक बात बताइए कि क्या क्या बताऊँ? देखो दूध बच्चे पीते हैं ना, कि हाँ बच्चे पीते हैं, तो आप भी तो बच्चे हो ना, अच्छा वाला बेबी हो ना। नहीं मैं बेबी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बेबी नहीं हूँ। किसने कहा मैं बेबी हूँ? मैं नहीं हूँ बेबी। कहते हैं अच्छा ठीक है आप बेबी नहीं हो ना, बच्चे दूध पीते हैं ना तो बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं ना, कि हाँ हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए दूध होता है तो बच्चे स्ट्रांग हो जाते हैं। तो कहते हैं तो आपको स्ट्रांग नहीं बनना, आपको पता भी है बड़े लोग भी दूध पी के स्ट्रांग हो जाते हैं? हाँ तो वो कहते हैं नहीं होते हैं, मेरे को पता है मेरे को पागल बना रहे हो सब के सब दूध पिलाने के लिए, मेरे को नहीं बिना दूध दूध। तो अनायसा कहती है अच्छा तुम्हारा बहुत ड्रामा हो गया, समझ में आया, अब चुपचाप पी लो नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा अब तुम्हारे गाल पे। तो थप्पड़ के नाम से एकदम घबरा जाती हैं अक्ष। तो कहते हैं आप मारोगे मेरे को, मेरे को फिर भी दूध नहीं पीना, मार लो आप, मेरे को पीना ही नहीं है। तो उधर वो श्रुति जो होती है वो कहती है अनायसा से कि दो मिनट मुझे दीजिए, वो दूध का ग्लास लेती हैं और अक्ष के बिल्कुल करीब जाके बैठते हैं। समिता को मैसेज करते हैं कि आप इनको बस समझाती रहिएगा। समिता मैसेज पढ़ती हैं तो समिता कहती हैं अच्छा अक्ष मेरी बात सुनो, आप किस किस की बात मानते हो? हाँ कहती है देखो श्रुति फिर दूध लेके आ रही है मेरे पास, मेरे को नहीं पीना है दूध, श्रुति भी अच्छी नहीं है, मैं श्रुति को अपना फ्रेंड मानने लगी हूँ, बट ये ऐसे करेगी तो मैं इससे बात नहीं करूँगी अब, मैं ये भी अच्छी नहीं है। तो जो है वो कहती है अच्छा आप इनको अपना मानते हो ना? हाँ
अपनी फ्रेंड मानते हो ना, तो फ्रेंडशिप का पहला रूल क्या होता है कि फ्रेंड एक दूसरे की बात मानते हैं। तो अक्ष बोलते हैं हाँ बट दूध नहीं पीना। तो श्रुति एकदम ऐसे पास आती हैं, उनके उनके नेक पे हाथ रखती हैं और हल्का हल्का रब करती हैं उनकी नेक पे, और उधर से समिता उन्हें समझा रही होती हैं बहुत प्यार से। तो वो कहते हैं अक्ष के मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो श्रुति कहते हैं तुम सो जाओ, तो कहते हैं कि नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को सोना नहीं है। तो समिता भी कहती हैं कि सो जाओ, अच्छा दूध नहीं पीना ना, फिर सो जाओ आप, अब आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, ना मैं बात करूंगी, ना श्रुति बात करेगी, ना नायशा भाभी बात करेंगी, कोई बात नहीं करेगा अब आपसे, मत पियो आप दूध, ठीक है आपकी मर्जी है। तो वो कहते नहीं ना, सब बात करना नहीं बंद करो, ये तो गलत बात है ना, सब बात करना मत बंद करो ना, दूध मेरे को नींद नहीं आएगी ना, फिर मेरे को दूध नहीं पीना है। तो श्रुति कहती हैं देखो अच्छा आपको सोना है ना, अच्छी अच्छी निन्नी लेनी है ना, कि हाँ तो ये दूध पियोगे ना तो अच्छी अच्छी निन्नी आएगी। तो कहते हैं नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो कहते हैं अच्छा, समिता की बात पे बिलीव है ना, आप उनसे पूछो। तो उनसे पूछते हैं तो समिता कहती है हाँ बहुत अच्छी नींद आएगी इसे पी के, पक्का नींद आएगी। तो वो ऐसे जो है ग्लास को उनके पास ले जाते हैं और उनके नेक पे भी हल्का हल्का रब कर रही होती हैं। तो उससे अक्ष को काफी रिलैक्स फील हो रहा होता है, पूरे दिन की भाग दौड़ इधर से उधर, उसमें जब कोई इस तरह का हाथ लगता है तो सुकून तो बहुत ही मिलता है। धीरे धीरे वो उनकी आंखें ऐसे नींद से बोझिल होने लगती हैं। तो उन्हें बहुत समझाने के बाद श्रुति वो दूध, जब तीनों मिल के समझा रहे होते हैं तो वो दूध पिला दिया जाता है, और समिता उनसे कहती है अच्छा आप डेली ये दूध पियोगे ना, प्रॉमिस करो। तो कहते हैं कि नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी, बिल्कुल नहीं पीऊंगी। तो कहते हैं ठीक है आज के बाद मैं तो आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए, जाओ फोन रखो आप, और मैं अभी श्रुति को भी बोल देती हूँ, वो भी आपसे बात नहीं करेगी और अनायशा भाभी भी नहीं करेंगी, कोई बात नहीं करेगा आपसे। तो अक्ष कहते हैं अच्छा ठीक है ना पीऊंगी, डेली पीऊंगी, ऐसे मत करो, पीऊंगी मैं। तो कहते कोई नाटक नहीं, कि हाँ ठीक है कोई नाटक नहीं। श्रुति कहती है अच्छा अब इसमें देखो थोड़ा सा ही बचा हुआ है ना, ये भी पी लो। कहती नहीं ना इसमें लाती है। तो कहते अच्छा ठीक है ना, इतना पिया ना आपने, ये भी पी लो, ऐसे नाक बंद करो और पी जाओ। तो अक्ष अपने ऐसे नाक बंद करते हैं और श्रुति उनके मुंह में ग्लास लगाते हैं और वो दूध पिलाया जाता है। थोड़ी देर में ऐसे उनको लिटाया जाता है और हल्का हल्का श्रुति उनके सर पे हाथ फेरती रहती है और उन्हें थोड़ी देर में नींद आ जाती है। खैर उनको सुला के ब्लैंकेट वगैरह डाल के श्रुति अनायशा से बोलती हैं कि आज ही इतनी आफत की है इन्होंने, तीनों ने समझाया तब पिया है, कल क्या होगा पता नहीं। तो कहती हैं संभाल लोगी, मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा। ये कह के अनायशा कहते हैं अब मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, कल आती हूँ, कल मिलती हूँ। श्रुति कहते हैं ठीक है, और श्रुति फिर समिता से भी थोड़ी देर ऐसे ही बात करती हैं, समिता भी उन्हें समझाती हैं और कहती हैं पी लेंगे वो, ना पिया करें तो आप मुझे बता दिया करो, बस उन्हें थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है, हम सब मिल के करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। ये दूध, ये मेडिसिन, ये बीमारी कौन सा नया तूफान लाने वाली है, ये तो आगे स्टोरी में सुनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।